Assalamualaikum friends, once again here's your host Ashi Khan. How you people are doing? Hope you are living healthy and happy life. So friends, today we are going to learn practical everyday English. It's not just English to study, it's a method which helps upper, intermediate and advanced students to understand and then use everyday vocabulary. So let's get started. To hear of. टू हेयर ऑफ का उर्दू में मतलब है कि किसी चीज़ से या किसी इंसान से जान पहचान होना, हम उसको जानते हों, पहचानते हों, उससे फेमिलियर हों, उसके बारे में हमने सुना हुआ हो. टू बी फेमिलियर विद, टू नो द एग्जिस्टेंस ऑफ, और टू रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और सिचुएशन. यूजुअली फेमस इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, आर्ट और प्रोफेशन. कोई ऐसी मशहूर शख्सियत है या कोई ऐसा बंदा जिससे आपकी जान पहचान है, उसको आप जानते हैं, या कोई ऐसा फन है, कोई भी ऐसी महारत है, सिचुएशन है जिसके बारे में आपने सुना हुआ हो, कोई ऐसी न्यूज़ भी हो सकती है. इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ कंपनी कॉल्ड ABC लिमिटेड. मतलब आप किसी भी कंपनी का नाम ले रहे हैं और आप कह रहे हैं क्या आपने उस कंपनी का नाम सुना है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं. नेक्स्ट, आई एम सरप्राइज्ड यू हैव नेवर हर्ड ऑफ हिम, ही इज क्वाइट वेल ऑफ. मैं हैरान हूँ तुमने आज तक उसके बारे में नहीं सुना, वो तो बहुत मशहूर है, वो तो बहुत वेल ऑफ है, वो तो बहुत जाना पहचाना इंसान है या जो भी है. बिफोर वी कम टू लंदन We had never heard of this type of crime. लंदन आने से पहले हमें इस तरह के जुर्म का पता ही नहीं था कि इस तरह के जुराइम भी होते हैं. अब इसमें आप लंदन की जगह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाहौर से लेकर बांग्लादेश तक कुछ भी आप इसमें ऐड कर लें, वो आपकी चॉइस है, इसमें कोई मसला नहीं है. ठीक है, बात हो रही है हर्ड ऑफ की. टू हर्ड ऑफ, आपने उसके बारे में नहीं सुना, अभी तक नहीं सुना, या आप उसको नहीं जानते, इस तरह के सेंटेंसेस में टू हर्ड ऑफ का इस्तेमाल होगा. टू हर्ड एंड टू हर्ड ऑफ देयरफॉर हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल टू हेयर ऑफ अ म्यूजिशियन विदाउट एवर हैविंग हर्ड हिम और हर प्ले. लाइक वी नेवर न्यू दैट दिस टाइप ऑफ क्राइम अकर्ड. ठीक है, अब बात यहाँ ये कर रहे हैं कि टू हेयर सुनना और टू हेयर ऑफ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. टू हेयर ऑफ सुनने के मायने में नहीं आएगा, बल्कि इस मायने में होगा कि आप इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि आपको इसका पता है या आपको आप इसको जानते हैं या नहीं जानते, ये उस तरह के मायने में इस्तेमाल होगा. नेक्स्ट इज टू हेयर अबाउट. टू हेयर अबाउट मीन्स to hear, find out what was happened to someone. मतलब इसकी एग्जाम्पल ऐसे हो सकती है, have you heard about, किसी का भी आप नाम ले लें, have you heard about person ABC, किसी का भी आप नाम इसमें लिख सकते हैं कि आपने उसके बारे में सुना है, कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ है जिसके बारे में सुनने की बात आ रही है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके डायलॉग्स बनाना चाहें तो इस तरह से बन सकते हैं. फर्स्ट कर लें, हैव यू हर्ड अबाउट जॉन. दूसरा बंदा जवाब देता है, नो टेल मी, मुझे बताओ क्या हुआ उसके साथ. मतलब वो उसको जानता ज़रूर है लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो वो नहीं जानता. ठीक है, तो पहला बंदा पर्सन ए उसको जवाब देता है, अनफॉर्चुनेटली ही हैज़ लॉस्ट हिज जॉब. इससे जाहिर होता है वो दोनों बंदे अच्छी तरह से उस तीसरे इंसान के बारे में जानते हैं और बात यहाँ पे उस इंसान के जानने की बात नहीं हो रही, बल्कि उसके साथ जो कुछ हुआ है उसकी बात हो रही है. किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो थोड़ा रूटीन से हट के हो, तो उसके लिए हम कहते हैं टू हेयर अबाउट. यानी फिर फर्ज करने के जैसे यहाँ तो जॉब की बात हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी के साथ कोई बहुत ही अनयूजुअल हो जाए, या किसी को कुछ खास मिल जाए, कोई प्रमोशन हो जाए, इस तरह की कोई भी बात हो तो आप कहेंगे कि आपने इसके बारे में सुना, उसके साथ क्या हुआ. तो दूसरा बंदा अगर उसने नहीं सुना होगा तो कहेगा क्या हुआ उसके साथ, वो एक्साइटेड होगा, तो आप उसे कहेंगे कि उसको उसकी प्रमोशन हो गई है. तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आप इस तरह से कहेंगे हैव यू हर्ड अबाउट हिम, ठीक है, जो भी उसका नाम होगा उसमें आपको यूज करेंगे। टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग, इसमें ये चीज भी आती है कि किसी चीज के बारे में खोज लगाना, उसका पता लगाना। टू हेयर अबाउट में टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग, इसकी एग्जाम्पल जितना भी हो सकती हैं, यानी इसका दूसरा पहलू बता रहे। पहला पहलू ये था कि आप किसी खास चीज़ जो किसी के साथ हुई है उसके बारे में आपने बात की। सेकंड ये है कि आप किसी खास चीज़ के बारे में पता लगाएं। अब इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? आई स्कूल इन द येलो पेजेस, हाउ डिड यू हेयर अबाउट, यानी तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, हाउ डिड यू हेयर अबाउट ऑफ इट। या आई वॉज वेरी हैप्पी टू हेयर अबाउट ऑफ द रीसेंट एडिशन टू माई फैमिली, या टू रीसेंट एडिशन टू योर फैमिली, या किसी की भी बात आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। पहला तो ये था कि क्या तुम्हें उसके बारे में पता चला, आपको पता चला उसके बारे में। नेक्स्ट क्या है कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, इस सेंस में भी हम टू हेयर अबाउट को यूज करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी या आई वॉज वेरी हैप्पी टू हेयर अबाउट, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, टू हेयर अबाउट। अच्छा, इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि टू हेयर ऑफ कैन बी यूज्ड इन द सेम वे एज टू हेयर अबाउट फॉर दिस मीनिंग ओनली। ये जो पहलू है कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, सिर्फ इस पहलू और टू हेयर ऑफ दोनों मिलते हैं यहाँ पे। ये टू हेयर अबाउट और टू हेयर ऑफ यहाँ पे आके इस सेंस में मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि टू हेयर ऑफ भी ये था कि आप किसी के बारे में जानने, तो यहाँ पे भी जानने की बात हो रही है कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। जबकि पहले वाली जो इसी टू हेयर अबाउट का पहला पहलू था वो ये था कि आप किसी से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो उस बात के बारे में जानता है। ठीक है, अब इसका एक तीसरा पहलू भी है टू हेयर अबाउट का, वो क्या है, टू रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट समवन समथिंग फ्रॉम समबॉडी एल्स, e.g. रेपुटेशन, करैक्टर या कुछ भी। इसमें एग्जाम्पल हो सकती है एट लॉन्ग लास्ट वी हैव मैथ्स, I have heard quite a bit about you. आखिरकार मैं तुमसे मिल ही लिया, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था। I have heard quite a bit about you. या मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत सुना, जितना भी सुना था, जो भी था। सिचुएशन आप कोई भी डाल लें, लेकिन इसका यही मतलब निकलता है कि आखिरकार हम मिल गए हैं और हमने आपके बारे में सुना था। नेक्स्ट इज I am surprised you haven't heard more about our company. We have got quite a reputation. अब कोई बंदा है, वो किसी दूसरे बंदे को ये कह रहा है, सामने वाले को, कि मैं तो बहुत हैरान हूँ कि आपको हमारी कंपनी के बारे में नहीं पता, हमारी तो बहुत अच्छी रेपुटेशन है। ठीक है, यहाँ हम उसको जिता रहे हैं कि हमारा भाई एक नाम है। अच्छा जी, नेक्स्ट है टू हेयर फ्रॉम, और इसका मतलब होता है टू रिसीव न्यूज़ कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन, या तो किसी से कोई न्यूज़ मिलना, या उसके साथ किसी भी बंदे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं हम, तो उसे हम कहेंगे टू हेयर फ्रॉम, इससे बातचीत होना। ठीक है, इसे हम किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल है आई हैवंट हर्ड फ्रॉम हिम इन एजेस, मुझे काफ़ी अरसा हो गया उससे मेरी बात हुई। आई हैवंट हर्ड, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे सुना नहीं है, आप इसका सेंस ये है कि आपकी उससे बहुत अरसे से बात ही नहीं हुई, सामना ही नहीं हुआ, कोई आपकी उससे कन्वर्जेशन नहीं बनी। आई हैवंट हर्ड फ्रॉम हिम इन एजेस। या अगर डायलॉग फॉर्म में हम इसकी एग्जांपल लें तो ऐसे हो सकता है कि जैसे ए जो है, पर्सन ए पूछ रहा है व्हेन वाज लास्ट टाइम यू हर्ड फ्रॉम योर डॉटर, ये क्वेश्चन पूछा गया, तुमने अपनी बेटी से लास्ट टाइम कब बात की, ठीक है, कब तुम्हारी उससे बातचीत हुई, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हर्ड फ्रॉम योर डॉटर। तो जो पर्सन बी है वो जवाब देता है ओह क्वाइट अ व्हाइल अगो। ठीक है, तो इस सेंस में आपने इसको लेना है कि जैसे किसी से कम्युनिकेशन ना हुई हो काफ़ी अरसे से, या हुई हो या ना हुई हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो इसमें आपको टू हेयर फ्रॉम आएगा। और इसके अलावा कोई न्यूज़ मिलना कि आपने किसी से कोई बात सुनी हो, ये दोनों फॉर्म्स इसमें यूज़ हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आई गेस आज की जो लेसन है, आज की जो ये हमारे फ्रेजेस थी, वो आपको समझ आ गई होंगी और आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी ज़रा भी नॉलेज में इजाफा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके मज़ीद नोटिफिकेशन आने का रास्ता खोल दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेसन।